अमेरिका के एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट एक बार एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे थे कि तभी उनकी फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो उन्होंने एक पर्सनल कार करके कॉन्फ्रेंस के वेन्यू तक पहुंचना ठीक समझा, लेकिन रास्ते में मौसम बहुत खराब हो जाने के कारण वो कॉन्फ्रेंस तक टाइम पर नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही शाम हो गई। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी वापस मोड़ लो। वापसी के सफर में उनका GPS खराब हो गया और वो जंगल में कहीं भटक गए। अब रात भी बहुत हो चुकी थी और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी। तो वो जब आगे जा रहे थे तो उन्हें दूर एक घर दिखा और उन्हें लगा कि आज यहीं रात गुजारना ठीक रहेगा। तो जब वो घर पे गए तो जो घर का जो मालिक था उन्होंने उन्हें काफ़ी स्वागत से अंदर बुलाया। वो काफ़ी भले इंसान लग रहे थे और उन्होंने डिनर टेबल पे खाना परोसा। जब वो डॉक्टर वहाँ पे खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो घर का मालिक है वो वहाँ पे कुछ प्रार्थना कर रहा है। जैसे ही उसकी प्रार्थना ख़त्म हुई तो वो वहाँ पे डिनर टेबल पे आया। तब उस डॉक्टर ने उनसे पूछा कि मैंने देखा कि आप काफ़ी श्रद्धा से कुछ प्रार्थना कर रहे थे, क्या आपको कोई तकलीफ़ है, क्या आप कुछ मांग रहे थे? तब उस इंसान ने जवाब दिया कि हमने आज तक किसी का कभी कोई बुरा नहीं चाहा है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ कि हमारा जो बेटा है उसे एक रेयर कैंसर है और यहाँ के सब डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि उनसे वो ट्रीट नहीं होगा। कोई डॉक्टर मार्क हैं वो बस इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सुनते ही उस डॉक्टर के हाथ में निवाला वहीं रुक गया। उसने उस इंसान से कहा कि क्या मैं आपके बेटे को देख सकता हूँ? तो वो इंसान पास के रूम में जहाँ उसका बेटा सोया हुआ था उस डॉक्टर को वहाँ पे लेके गया। उसके बेटे को देखकर डॉक्टर ने उस इंसान से कहा कि एक काम करो, अपने बेटे को मेरी गाड़ी में डाल दो। तब उस इंसान ने उस डॉक्टर से पूछा कि लेकिन आप कौन हैं? और उस डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं जानता तुम्हारा ये परमात्मा कौन है, लेकिन तुम्हारे इस परमात्मा ने आज मेरी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, मुझे कॉन्फ्रेंस तक नहीं पहुंचने दिया, मेरा GPS खराब कर दिया और मुझे जंगल में भटका दिया और आखिर में तुम्हारे दरवाजे के सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं डॉक्टर मार्क हूं। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस पूरी दुनिया में कर्म का सिद्धांत एकदम ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसलिए विश्वास रखिए और अच्छे कर्म करते चलिए, बिकॉज कर्मा विल फाइंड योर एड्रेस।